नीमच शहर में इक्का दुक्का कार्रवाई करके यूं तो यातायात पुलिस अपनी वाहवाही लूटने में लगी है, लेकिन शहर के सबसे घनी आबादी वाले मूलचंद मार्ग पर प्रतिबंध के बावजूद भारी वाहनों की आवाजाही निरंतर जारी है, जिसके चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कल रविवार को भी एक तेज रफ्तार वाहन ने एक मासूम को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मासूम को चोट आई है। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। क्षेत्रीय रहवासियों ने यातायात पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि मूलचंद मार्ग घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भारी वाहनों का आवागमन होता है। प्रतिबंध के बाद भी बड़े आकार के वाहन इस मार्ग का उपयोग करते हैं, बावजूद जिला व पुलिस प्रशासन इन वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं करता है। पूर्व में नगर पालिका द्वारा एंगल लगाई हुई थी, वो एंगल पता नहीं कोई रोड का काम हुआ, कुछ काम के चक्कर में उसको एंगल को हटा दिया। वो नगर पालिका ने यह आश्वासन दिया था कि भाई काम पूर्ण होने के बाद उस एंगल को वापस लगा दिया जाएगा, और आज तक उसको 7 साल हो गए, अभी तक एंगल लगाई नहीं गई है। इस वार्ड के अंदर मूलचंद मार्ग एकमात्र वार्ड है जो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन का एकमात्र रोड होने से यहाँ भारी वाहनों का आगमन रहता है, और इस रोड के 7 पार्षद हैं। 7 पार्षदों के संज्ञान में होने के बाद भी कोई यहाँ पर ऐसी कार्रवाई नहीं करता कि इससे नगर पालिका एंगल लगा दे। इस एंगल नहीं लगाने से भारी वाहनों के आने से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी अभी जस्ट एक बच्चा भी टकराया है और अज्ञात वाहन से टक्कर मारकर भाग गया है। उसको अभी हॉस्पिटल में लेकर आया था उसको इलाज के लिए, कहीं उसके माता पिता उसको कहीं और ले गए हैं। तो यह तो घोर लापरवाही नगर पालिका की भी है, और मूलचंद मार्ग वासियों ने भी एक आवेदन दे रखा है। यात्रा विभाग ने भी बोल रखा है कि नगर पालिका अपना बैरिकेड जो अंडर होते हैं भारी वाहन को रोकने को लगाए, बाकी नगर पालिका अभी तक आँख बंद करके सोई हुई है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कितने तो यहीं पट्टी करा के चल जाते हैं, बाकी का कोई वाहन बंद करा रहा ही नहीं। इधर बड़े बड़े वाहन ट्रक बड़े बड़े रातों को ट्राले निकल रहे हैं इधर से, 14-14, 18-18 पहियों के। ये कोई हाईवे टोली ना है, ये रहवासी बच्चे छोटे छोटे ही बच्चे दिख रहे हैं, खेलते रहते हैं यहाँ पे। आए दिन किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा यहाँ पे। अभी किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है? ये अभी कोई गाड़ी वाला था, बच्चा था, जा रहा था चीज लेने और उसको उड़ा के चल गया, पता ही नहीं चला कहाँ। वो बच्चे को हमने ला के अभी यहाँ हॉस्पिटल में ड्रेसिंग ड्रेसिंग करा के और उसके घर पहुँचा। कोई नगर पालिका भी ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ के ऊपर। पहले रोड खराब था तो रोड सही हुआ, तब ये भारी वाहन जाना चालू हो गए यहाँ से। टरके न ट्रक न मंडी के न सारे, या तो यहाँ से कोई दूसरा रास्ता निकालें या फिर आगे कोई एंगल लगवाएं यहाँ से, इसको बंद करवाएं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, किसी का बच्चा मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, तो कोई कुछ कर पाएगा ही नहीं। उसके माँ बाप दुख देखेंगे और कौन देखेगा। कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है ना, पहले बनते हैं, पहले एंगल लगा रखी थी, अब कोई एंगल ही नहीं लगवा रहा है इधर। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।